मुंबई के खार इलाके में अन्नाभाव साठे चौक को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने के विरोध में कांग्रेस के एमएलए भाई जगताप बीएमसी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। साथ में उस इलाके की नगर सेविका प्रियतमा सावंत के साथ साथ तमाम कांग्रेस के लीडर बीएमसी के खिलाफ धरने पर बैठे। इनका आरोप है कि यहाँ के नगर सेवक प्रियतमा सावंत 3 साल पहले सरकारी बजट से यहाँ पर अन्नाभाव चौक बनवाया था, लेकिन बीएमसी ने बिना नोटिस दिए यह चौक तोड़ दिया। रत्न लोक शायर अन्नाभाव साठे का ये जो नामकरण हुआ था और उनका जो एक स्मारक यहाँ जो बनाया था, वो यहाँ के हमारे कॉरपोरेटर प्रियतमा सावंत जी है, उनके फंड से हुआ था, पूरा उसको सैंक्शन लेके हुआ था, नहीं तो होता नहीं, सरकारी पैसा ऐसा कहीं लगता नहीं। उसको यहाँ के अधिकारियों ने, अगर रास्ते में आता है, अगर ये उनका कहना था तो 3 साल से यहाँ बना हुआ था, एक भी नोटिस नहीं आई, एक भी हमें उसकी इतला नहीं दी गई कि भाई ये ऐसा है, तो हम लोग खुद करते। पर जिस दिन हमारे नेता राहुल जी गांधी मुंबई में आए थे, उस वक्त का एक सारे कार्यकर्ता वहाँ थे, उसका ये करा के वो एक फ़ायदा उठा के उन्होंने इसको डिमोलिशन किया और बहुत बुरी तरह डिमोलिशन किया। ये भावनाओं का एक बहुत बड़ा आघात है भावनाओं के ऊपर, क्योंकि दलित समाज है, मातंग समाज है, हम सारे जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारी सारी बुनियाद ये सबको साथ में लेके जाने की है। उसको अगर इस तरह से ताकत के साथ अगर कोई हिलाने की कोशिश करता है तो हम उसको हिलाने नहीं देंगे। इसके लिए धरना थे यहाँ कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुद आए हैं और उन्होंने ये कबूल किया, उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने ये भी कबूल किया कि कल परसों 2 दिन में ये काम शुरू होगा और 4-5 दिन में ये काम ख़त्म होके दोबारा ये लोकार्पण होगा, उसका जैसे थे वैसा होगा। बीएमसी से मांग है कि जल्द से जल्द यह चौक बना कर दिया जाए। बीएमसी की कार्रवाई तब हुई जब कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुंबई आए थे। इस धरने में कांग्रेस ने देश के महाराष्ट्र सरकार को दलित विरोधी भी बताया। इस धरने में हैदराबाद में हुई दलित छात्र द्वारा आत्महत्या के विरोध में मौन धारण कर उस छात्र को श्रद्धांजलि दी गई। आखिरकार बीएमसी इनके मांगों को मान लिया है। 2 दिन के अंदर इस चौक को वापस बनाकर इसका लोकार्पण किया जाएगा।